एपिसोड की शुरुआत में वॉलकैरी कहती है, चलो देखते हैं तुम मेरा ये हमला रोक पाते हो या फिर नहीं। उसकी डायरेक्टर कहती, ये बंदा बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और वहाँ उसके पीछे जो ये पर्पल बाल वाली लड़की होती है, ये कहती, ये बंदा बहुत ज़्यादा ताकतवर है। इसने वॉलकैरी को मजबूर कर दिया ताकि वो अपने क्वीन नाइट को समन कर दें। किसी ने भी वॉलकैरी को आज तक ऐसा करने पर मजबूर नहीं किया है। रॉथ सोच रहा होता है, आखिर मैं इनकी तरह कब अपने फाइटिंग स्पिरिट को समन कर पाऊंगा। क्विशी सोच रहा होता है, ये काफ़ी ताकतवर लग रही है, अब इसकी फाइटिंग स्पिरिट भी समन हो चुकी है तो इसकी पावर भी पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी है। वॉलकैरी तुरंत ही उस पर हमला करने के लिए आती है और क्विशी सोच रहा होता है, हाँ ये सही है, वो अब पहले से और भी ज़्यादा ताकतवर हो चुकी है। क्विशी वॉलकैरी के हमले को अपने वेपन से रोक लेता है, लेकिन वो हमला कुछ ज़्यादा ही पावरफुल होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि अब मैं इस हमले को नहीं रोक पाऊंगा, इसलिए वो बहुत सिंपल सा मूव करता है, वो साइड में हट जाता है। आप देख सकते हैं कि ये मूव कितना ज़्यादा ताकतवर था और क्विशी सोच रहा है, अच्छा हुआ मैंने इस हमले को डॉज कर लिया। क्विशी सोच रहा होता है, अनएक्सपेक्टेडली वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुकी है और वो इतने खतरनाक अटैक भी कर सकती है। तभी हमें वॉलकैरी की आवाज़ आती है जो कि कह रही होती है, बैटलफील्ड में नज़र हटी दुर्घटना घटी। वॉलकैरी पूरी तेज़ी के साथ आ रही होती है और वो क्विशी से कहती है कि अब तुम इसे डॉज भी नहीं कर सकते हो, काफ़ी देर हो चुकी है। और इधर हमें उसके इंस्ट्रक्टर और उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो इंस्ट्रक्टर कहती है, बहुत अच्छे वॉलकैरी, तुमने अपने अपोनेंट पे बहुत अच्छे समय पे वार किया है जब उसका ध्यान भटा हुआ था। रॉज कहता है, क्विशी अब तुम हारने वाले हो क्योंकि ये हमला पहले वाले हमले से बहुत ज़्यादा ताकतवर है। किंग कहता है, देखने से ऐसा लग रहा है कि ताकतवर कमज़ोर को परेशान कर रहा है, ये देखने में तो बहुत मज़ा आ रहा है, अब ये जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। इधर हमें क्विशी को दिखाया जाता है जो कि अपने वेपन से उसके हमले को ब्लॉक कर लेता है। वो कहती है, क्या तुमने अभी भी इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे इस हमले को ब्लॉक कर सको। उसका हमला इतना ज़्यादा ताकतवर होता है कि क्विशी का वो जो वेपन होता है उसमें धीरे धीरे क्रैक आने लगते हैं और आखिरकार वो ज़्यादा सह नहीं पाता और उसका वेपन टूट जाता है। वॉलकैरी सोच रही होती है, भले ही मैं तुम्हें मार ना पाऊँ लेकिन मैं तुम्हारा एक हाथ तो ज़रूर उड़ा दूँगी। वॉलकैरी अब फिर से उस पर वही ताकतवर हमला करने के लिए आती है और वो हमला करती है, पूरा स्टेज धुआं धुआं हो जाता है। वो पर्पल बाल वाली लड़की और उसकी डायरेक्टर काफ़ी खुश होते हैं कि आखिरकार वॉलकैरी ने उसे हरा ही दिया। और इधर हमें रॉज और ज़ायवैंग को दिखाया जाता है जो कि सोच रहे होते, क्या वो सचमुच हार गया। तभी जाय को एहसास होता है, हमें स्टेडियम के अंदर से आवाज़ सुनाई जाती है, अगर मैं एक नॉर्मल पर्सन होता तब मेरा हाथ ज़रूर कट जाता। और वॉलकैरी इधर कह रही होती है, आखिर ये कैसे पॉसिबल है। हमें क्विशी को दिखाया जाता है जिसने अपने स्पिरिट को समन कर लिया था एकदम सही वक्त पे, वरना अभी तक ये नहीं बच पाता। सारी ऑडियंस खुश हो जाती है क्योंकि क्विशी ने उस खतरनाक से हमले को भी रोक लिया था और अब वो पहले से ज़्यादा ताकतवर दिख रहा है। और इस तरफ हमें ग्रैनी को दिखाया जाता है जो सोच रही होती है, मोशनलेस बॉडी, ये पावर है मोशनलेस किंग की जो कि फाइटिंग स्पिरिट है क्विशी की, इसी के चलते वो बच पाया। इस मोड में जाने से उसकी स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, लेकिन इस मोड के अपने अलग ही ड्रॉबैक्स हैं। अभी जहाँ तक क्विशी जिस लेवल पर है, मुझे लगता है कि वो 3 मिनट से ज़्यादा टिक नहीं पाएगा, और अगर उसने 3 मिनट से ज़्यादा करने की कोशिश की तो उसकी बॉडी से सह नहीं पाएगी। लेकिन ये मैच 3 मिनट के अंदर ही ख़त्म हो जाएगा। वॉलकैरी कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये तुमने किया है। क्विशी कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और वो सोच रहा होता है, मुझे इसे जल्दी से हराना होगा। उसके बाद फिर से वॉलकैरी अपना वही पावरफुल अटैक उस पर करती है, लेकिन इस बार हम देखते हैं कि क्विशी अपने उन नंगे हाथों से ही उसके सारे हमलों को रोक रहा होता है। आपको क्विशी का ये वाला फॉर्म कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। इधर उनकी डायरेक्टर सोच रही होती, ये बंदा पहले ही से अपने पैरासिटिक स्टेट में पहुँचने वाला है और इसकी पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, ये तो एक इंटरमीडिएट लेवल तक पहुँच चुका है। इस तरफ हमें वॉलकैरी को दिखाया जाता है जो फिर से अपना वही ताकतवर वाला हमला करती है और इस बार पूरे स्टेडियम में बूम बाम हो जाता है, मगर क्विशी अभी भी हारा नहीं होता है। वॉलकैरी सोच रही होती है कि इसका डिफेंस बहुत ज़्यादा पावरफुल है। उसके बाद वॉलकैरी की नज़र अपने तलवार पर पड़ती है जिसकी हालत भी काफ़ी ख़राब हो चुकी होती है, और वो सोच रही होती है ये पहले से बहुत ज़्यादा ही ताकतवर हो चुका है क्योंकि उसने अपने हाथों से ही सिर्फ इसके तलवार को रोक दिया था। क्विशी कहता है, चलो आ जाओ। और इधर वॉलकैरी कह रही होती है कि अब मैं तुम्हें पक्का ख़त्म कर डालूंगी। और इधर हम देखते हैं कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। वो पर्पल बाल वाली लड़की कह रही होती है, क्या ये अपना सबसे ताकतवर हमला यूज़ करने वाली है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। और दूसरी तरफ क्विशी भी अपना सबसे ताकतवर हमला करता है
जो भी होता है एक सुपर पंच उसी टाइप का होता है। और जैसे ही उन दोनों के हमले टकराते हैं, आप देख सकते हैं पूरे रिंग के चिथड़े चिथड़े हो चुके हैं। दोनों के हमले टकराने से दोनों ही एक साथ बेहोश हो जाते हैं और बुलेट ट्रेन की स्पीड से रिंग से बाहर गिर रहे होते हैं। लेकिन इधर उसकी डायरेक्टर उसे पकड़ लेती है और इधर मून क्विशी को पकड़ लेता है। और रहा बात रिंग का तो चिथरा चिथरा उड़ चुका है। होस्ट कहता है वो दोनों एक साथ रिंग से बाहर निकले। चलिए हम जजेस सुनते हैं कि उनका क्या फैसला होगा। और इस तरफ ऑडियंस पूरी चिल्ला रही होती है कि एक नंबर मैच था, बहुत मस्त। जो मेन वहाँ का होता है वो कहता है कि वो दोनों एक साथ रिंग से बाहर निकले थे, तो हमें उन दोनों को 88 पॉइंट्स दे देने चाहिए। आप लोगों का क्या कहना है? और थोड़ी देर बात विचार करने के बाद ये डिक्लेयर हो जाता है कि दोनों के बीच में टाई हो चुका है, दोनों को 88 पॉइंट्स मिलते हैं। होस्ट कहते हैं ठीक है, नेक्स्ट मैच के लिए हमें थोड़ी देर रुकना पड़ेगा क्योंकि हमारे ऑफिशियल्स स्टेज को वापस से बना रहे हैं। नेक्स्ट बैटल जाय वैंग और इस लंबी चोटी वाले के बीच में है। सीन चेंज होता है, फाइनली अब स्टेज बन चुका है और अब उन दोनों की लड़ाई होने वाली है। डायरेक्टर क्विशी से कहते हैं क्या तुम्हारी चोट ठीक है? वो कहता है हाँ। मून सोच रहा होता है जाय इस बार तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। वो लंबी चोटी वाला कहता है जाय वैंग मैं तुम्हारा इंतजार बहुत लंबे समय से कर रहा था, तुम्हें अभी भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं है? ये बैटल ये डिसाइड करेगी कि हम दोनों की फैमिलीज में से सबसे ताकतवर फैमिली किसकी है। ये बैटल हमारे क्लैन के सम्मान के लिए है। जाय कहता है सम्मान तुम्हारे क्लैन के लिए? तुम अभी भी इन बेकार सी बातों को सीरियसली लेते हो? वो चोटी वाला बंदा कहता है तुम तीन सबसे बड़े क्लैंस में से एक के मेंबर हो, तुम ऐसी बातें कैसे कह सकते हो? क्या तुम्हें अपने क्लैन के सम्मान की कोई चिंता नहीं है? अगर नहीं है तो तुम्हें फिर क्या चाहिए? जाय कहता है क्या सम्मान मुझे ताकतवर बना सकता है? वो लंबी चोटी वाला कहता है जाय वैंग तुमने मुझे निराश किया। जाय कहता है हम इतने ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स भी नहीं है, तो इन सभी चीजों से तुम्हारा कुछ भी लेना देना नहीं है। वो चोटी वाला बंदा कहता है जाय चलो हम एक शर्त लगाते हैं, जो पहले स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करेगा वो हार जाएगा। मून बियोंग उस लंबी चोटी वाले बंदे के बारे में कह रहा होता है कि उसकी स्ट्रेंथ इतनी भी कमज़ोर नहीं है, जाय वैंग उसे हरा नहीं पाएगा। रॉज कहता है क्या जाय पहले भी उससे हार चुका है? मून कहता है हाँ वो लंबी चोटी वाला लड़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा है। इधर हम मैच को दिखाया जाता है जहाँ पे वो लंबी चोटी वाला जाय वैंग पे हमला करते हुए कहता है भले ही तुम कितने ताकतवर भी क्यों ना हो लेकिन मैं जिसने सम्मान को माना है तुम मेरे जैसे को नहीं हरा सकते हो। जाय उसके हमलों को बड़ी आसानी से रोक रहा होता है लेकिन फिर वो अपने दोनों हाथ से उस पर हमला करने लगता है जिससे जाय को रोकने में थोड़ी परेशानी आ रही होती है, मगर जाय भी कहाँ मानने वाला था, वो भी उसे एक जोरदार किक मारता है। एक्टर कहते हैं जैसा कि तीन सबसे बड़े क्लैंस के मेंबर से एक्सपेक्टेड था वो काफ़ी अच्छे तरीके से हमले कर रहे हैं। वो लंबी चोटी वाला बंदा कहता है बहुत अच्छे तुम्हारे स्किल ज़रा सा भी कमज़ोर नहीं हुए हैं, भले ही तुम उस बेकार कॉलेज में क्यों ना गए हो। वो जाय पे फिर से पूरी तेज़ी के साथ हमला करता है लेकिन जाय उसके इस हमले से बच जाता है। जाय उसे लात मारता है लेकिन फिर से वो बंदा अपने वेपन को उसकी तरफ आगे बढ़ाता है लेकिन हम देखते हैं कि जाय उस वेपन को अपने पैरों से रोक लेता है। वो अपने दूसरे पैर से उस बंदे के चेहरे पर एक जोरदार किक मारता है मगर इसे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा होता है। वो कहता है बहुत अच्छे जाय वैंग और इस बार वो जाय को बहुत जोर की मारता है। वो जाय से कहता है कि रुको मत मुझसे लड़ते रहो, ये तीन सबसे बड़ी क्लैंस की असली पावर है, ये बंदा सचमुच लड़ने के लिए पागल है। लेकिन इधर हम देखते हैं कि जिस पे वो हमला करता है वो जाय नहीं होता है, वो जाय का मिरर होता है। इसका मतलब ये है कि जाय ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल कर दिया है। वो बंदा कहता है कि हम दोनों ने एक साथ अपनी फाइटिंग स्पिरिट का इस्तेमाल किया है इसलिए ये पहला बैटल टाई होता है। अब वो चोटी वाला बंदा भी अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को बाहर निकालने लगता है और हमें उसके स्पिरिट को दिखाया जाता है। जाय भी इधर अपने स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है और बस हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। और अब मेरा कॉलेज भी शुरू हो चुका है इसलिए वीडियोज़ आने में थोड़ी देर तो नहीं होंगी लेकिन एक वीडियो हमेशा डाल दिया करूँगा, दो वीडियोज़ आने में दिक्कत हो सकती है लेकिन मैं फिर भी अपनी पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये और भी लोगों तक पहुँच सके। और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा कमेंट करके बताएं आपको किस लड़ाई का ज़्यादा इंतज़ार है। इस मैच के बाद सिर्फ एक बंदे की लड़ाई बाकी है और आप जानते हैं कि ये बंदा कौन होने वाला है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।